सर आप वो बता रहे थे कैंप में बेबी हुआ था जिसने अजीज साहब को देख के कुछ किया, क्या किया था? वो तो शबाज शरीफ को देख के करने लगा था। अच्छा, वो तो मेरे ख्याल है पास से उसके अबू ने बताया होगा कि ना बेटा वजीर आला है, ये मुअत्तल कर देता। सर वैसे जिंदगी के भी कितने अजीब रंग है ना, खुशियां गमियां सब साथ साथ चल, हर चीज साथ साथ। अच्छा वैसे वजीर आला उस वक्त मुअत्तल करने लगे थे एक दो बंदों को, तो भाई याद है ना जब वो देखी थी उस वहां पे हालत उन्होंने, तो वो डांट दिया था दो तीन अफसरों को बुला के। अच्छा? वो एक दो औरतों ने खवातीन ने शिकायत की ना जी कि यहाँ पे ये बंदोबस्त इतना अच्छा नहीं है मेडिकल वाला। अच्छा, यहाँ पे जो वार्ड बनाया हुआ है अस्पताल वाला, वो जहाँ पे बच्चा भी पैदा हुआ हुआ था, हाँ जी हाँ जी, वो उधर उन्होंने शिकायत कर दी कि यहाँ पे ठीक सिस्टम नहीं है। बस वजीर आला ने फौरन ने ऐसे ऐसे कर दिया। अच्छा बीच में वो होते हैं ना बेचारे चोली चौक भी त्रीफी नारे मारने वाले, दस पंद्रह वो भी इकट्ठे हुए थे नून लीगी, उन्होंने शहबाज शरीफ जिंदाबाद, शेरे बबर जिंदाबाद, शेरे पंजाब जिंदाबाद। शायद शहबाज शरीफ को महसूस हुआ हो शेर तो जानवर होता है, उसको गुस्सा चढ़ गया, ना बंद करो नारे, खबरदार कोई नारा ना लगाए, बात सुनने दो मुझे। अच्छा इन सियासी वर्कर्स और सियासतदानों के हवाले से भी हमारे जहन में एक मनफी इम्प्रेशन मौजूद था कि शायद वहां पे कोई MNA MPS काम नहीं कर रहे। बहुत से इलाकों में ऐसी सूरत हाल है, लेकिन कई इलाके हमने अपनी आंखों से वहां पे देखा है कि ना सिर्फ ये कि MNA और MPS काम कर रहे हैं, बल्कि ऐसे इलाके भी देखे हैं जहां पे नून लीग और पीपल्स पार्टी के MNA MPS मिलकर काम कर रहे हैं, और ये अंदाजा करना मुश्किल था कि ये पीपल्स पार्टी से ताल्लुक रखता है MNA या नून लीग से, बिल्कुल मिलके एक दूसरे के साथ काम कर रहे थे। ऐसे भी बहुत सारे इलाके थे जहां पे सिर्फ पॉइंट स्कोरिंग हो रही थी। आपको बंदा अपनी तारीफ करने ही लगा ना कि सर मैंने इधर से तो एकदम एक पास से बंदा बोला है, सर ये कभी भी नहीं आता जनाब, ये सारा झूठ बोलता है, इसकी शक्ल ही हमने आज देखी, अल्लाह जानता है। मुख्तलिफ तरह के लोग, मुख्तलिफ तरह के मामलात, हर तरह के मनाजर हमने देखे हैं वहाँ। मतलब काम हो रहा है ना वहाँ? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह काम तो हो रहा है, बहुत सारी कमियां कुताइयां हैं, लेकिन काम बहरहाल हो रहा है। उधर तो मैंने देखा है कि वो कैंप के पास उन्होंने वो रोटी मशीन भी लगाई हुई थी। हाँ अब ये देखो ना कि हम बिलमूम एक मनफी राय रखते थे इसके हवाले से, ये सस्ती रोटी स्कीम से, लेकिन इसी का एक बच्चा था ना इसी स्कीम का, जिसे हम मैकेनिकल तंदूर कह रहे थे, और वहां पर वो अपनी बेहतरीन शक्ल में, वो एक नेमत से काम नहीं लगते जब आप जाके देखते हैं वहां पर। वो जो कैंपों में बेचारे लोग रह रहे हैं वो शिकायत कर रहे थे कि हम मुसलसल चावल खा खा के बीमार हो गए, और वहां पे वो मैकेनिकल तंदूर लगाए गए हैं जो बहुत नेमत से काम नहीं लगते यार। एक घंटे में 1000 रोटी वो बंदे ने बताया कि और इसका मतलब है वो बता रहे थे कि ये 10 घंटे 7 घंटे चलते हैं, तो 10-10 हजार रोटी अगर वहां पर रोजाना निकल रही है, तो एक आदमी अगर 2 रोटियां खाता है तो इसका मतलब है 5000 लोग एक तंदूर से वहां से अपना पेट भर रहे हैं। और तुम ये देखो कि वो अगर मशीन ना हो तो 10,000 रोटी तो माई तंदूर वाली जितनी मर्जी थे ये नहीं कर सकते, ओ बस करो, बहुत लग गई रोटी, बहुत लग गई रोटी। और वो तंदूर ऐसे चल रहा था जैसे पिज्जा मशीन नहीं चलती, वो धड़ाधड़ उसमें रोटियां लग रही थी। और वो देख लो यार, वो जो रिवर्स ऑस्मोसिस हमने देखा है वहां पे, वो बहुत रिवर्स ऑस्मोसिस जो वहां पे खारा पानी है, कड़वा पानी है, उसको मीठा करने का एक प्रोसेस है। तकरीबन 1 करोड़ रुपए का प्लांट है, और सिर्फ रुझान में हमने 2 प्लांट देखे हैं जो काम कर रहे हैं। अब ये देखो इसी आफत के सदके उनको वहां पे प्लांट मैसर आ गए, इससे पहले वहां पे कोई प्लांट नहीं था, और मीलों दूर पानी ले जाना पड़ता था पीने के लिए, लाना सड़क के किनारे पे लगा हुआ था, चंगा पड़ा वड्डा प्लांट, टैंकी बहुत वड्डी, मुफ्त पानी मिल रहा है उनको, गरीबों को लाइनें लगी हुई थी पानी लेने के लिए, बड़े बड़े कैन भर रहे थे, एक कदम बंदा तो मैंने देखा लोटा भी भर रहा था। सही, सारी सहूलियात या रुझान के बारे में बता रहे हैं। हाँ हाँ, लेकिन वहां पे इन सहूलियात के बावजूद शिकायत के अंबार थे, गिले शिकवे बेशुमार थे। आपको अभी टेंट लेके दिया इन्होंने? नहीं दिया, दो दे दे, दो बच्चे को मेरे, 5 बच्चे 3 मेरा बच्चा भी जुदा है, आपको तकलीफ है? नहीं नहीं, कोई तकलीफ नहीं, मुअत्तल होने का डर नहीं है आपको? सीएम कहता चार दफा से वजीर आला है यहाँ पे आए हैं, चार मरतबा मोटरसाइकिल मोटरसाइकिल उतरा है, उधर गिर गया है,
उधर फौजी ने हाथ से पकड़ के वजीर आला को उठाया। वजीर आला का बहुत बहुत मेहरबानी है, बहुत बहुत हमारे साथ दिया है। हेलीकॉप्टर से हमारे आदमी उठाए हैं वजीर आला ने खुद। गिरा क्यों पक के गिर गए? नहीं, वो उधर से अपने आबादी में उतरा ना हेलीकॉप्टर, उधर से उतरा है तो उधर शहबाज शरीफ उतरा है, हवा तेज चल रही है, उधर से दो दफा गिरा है। मैं ये अपील कर रहे हैं, कार्ड देख करके हमारे को दें, ये हम नहीं चाहते कि हमारे को ऐसे दें। कार्ड देखें कौन सिला भी है कौन सिला भी नहीं है, ये रियासत वाले भी खा रहे हैं। शिकायत का खात्मा करना तो तकरीबन नामुमकिन बात है। जाहिर है वो अपना बसा बसाया बना बनाया घर छोड़ के आए हुए हैं, सारी सहूलियात उनको फराहम करना घर जैसी, वो बिल्कुल नामुमकिन बात है। यार यहाँ हम एसी में बैठे हुए हैं स्टूडियो के अंदर इतनी अच्छी जगह पे, शिकायत तो यहाँ नहीं खत्म होती। देख लो ना कोई चाय ना कोई पकौड़े ना कोई बिस्कुट, पहले दिन से रोना रो रहा हूँ। तुम ये देखो कि वहां पर जो भी सूरत हाल से लाभज़दा इलाकों में डेवलप हो रही है, इसकी पॉलिटिकल इम्प्लिकेशंस भी मौजूद हैं। तुम्हें पता है ना पूरा जो तुम जिस इलाके का दौरा करके आए हो, ये पीपल्स पार्टी का बहुत स्ट्रांग होल्ड समझा जाता है, और वहाँ पे पीपल्स पार्टी के जो निचली सतह पे जो कारकुन हैं, हामी और वोटर्स हैं, उनको अपनी आला क्यादत से बहुत से गिले शिकवे मौजूद हैं कि उन्होंने बर वक्त हमारी कोई मदद नहीं की। ऐसा लीडर कभी नहीं देखा, पहली दफा देखा, एक भुट्टो शरीफ को देखा, भुट्टो साहब को देखा, एक शहबाज शरीफ को देखा। और ऐसे वक्त में जहाँ पर वहाँ पे नून लीग ने एक कदम आगे बढ़ के वहाँ पे रिलीफ का काम किया है, वहाँ पे उनके लाहौर से MNA MPS जाके वहाँ काम कर रहे हैं, तो इसके बहरहाल पॉलिटिकल माइलेज भी नून लीग को वहाँ पे डेफिनेटली मिले। पीपल पार्टी के हैं, पहले पीपल पार्टी को वोट दिए, बिल्कुल दिए, अभी शहबाज शरीफ को भी वोट देगी। सर इसका मतलब है सारे काम जो सियासतदान कर रहे हैं सियासी फायदे के लिए कर रहे हैं? नहीं, मेरा ख्याल है कि ये कहना तो मुश्किल है कि कौन सियासी फायदे के लिए कर रहा है और कौन इखलास के साथ कर रहा है। बहरहाल वो सियासतदान है, वो सियासी फायदा तो देखते हैं अपना, लेकिन मेरा ख्याल ये स्वीपिंग स्टेटमेंट देना मुनासिब नहीं है कि सारे सियासतदान सियासी फायदे के लिए कर रहे हैं। अच्छा, हमने इस हवाले से वजीर आला पंजाब के साथ भी गुफ्तगू की है खास तौर पर। जाहिर है दौरे के दौरान तो हमें बिल्कुल एक लम्हा भी मुयसर नहीं आया बात करने के लिए, इतनी भागम दौड़ थी। उधर तो अल्लाह माफ करे शहबाज शरीफ की ऐसी दौड़ लगी हुई थी, कभी उधर कभी उधर, जैसे ब्याह वाले दिन मुंडे का वड्डा ताया नहीं दौड़ रहा होता, कभी नस के देखो वाले के साथ, यार जल्दी कर छटा लगा, क्या कर रहा तू, ऐवी करडूं करडूं करता जा रहा, जल्दी कर जरा बरात आने वाली है, ए बंद करो बाजे, खबरदार कहीं बाजे बजाओ, काका मेरा पुत्र ये कुर्सियां ठाल, इधर से बरात आनी है, मैं लाड़े को ठुड्डा लग जाए मुद्दा इन पड़ जाए, बाजे बजाओ क्या कर रहे हो, ऊंचा बजाओ, पैसे नहीं लेने तुमने। वैसे भागम दौड़ का यही आलम था, लेकिन बहरहाल हमने लाहौर एयरपोर्ट पे वापस आके वजीर आला के साथ एक मुख्तसर सी गुफ्तगू की है, वो हम एक ब्रेक के बाद तुम्हें सुनवा देते हैं। नाज़रीन, यहाँ हमें लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा।